बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, किड्स ग्रामर स्कूल से सर फयाज आपसे मुखातिब है। बेटा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर पेज नंबर 37 बुक के पेज नंबर 37 तक पढ़ लिए थे, टॉपिक हमारा चल रहा था ईद उल अज़हा। इसी ज़मन में अब हम पेज नंबर 37 पे आ गए हैं। बुक का पेज नंबर 37 खोल लें, वहां पर अगर आप देखेंगे तो बी पोर्शन है और वहां पर आपका लिखा हुआ है राइट लिखें द फॉलोइंग दर्ज ज़ैल सेंटेंसेस फिक्रों को अंडर नीचे द रेलेवेंट मुतअल्लिका बॉक्स खाने में लिखें। ये जो फिक्रे यहां पे दिए गए होंगे आपके, एक तो उसको अंडरलाइन करना है आपने जिस तरह ये अंडरलाइन किए हुए हैं, फिर उसके सामने लिखना है कि ये ईद उल फितर से मुतअल्लिक है या ईद उल अज़हा से मुतअल्लिक है। फिर उस फिक्रे को और उसकी अंडरलाइन की हुई लाइनों को आप नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं, नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं, उन लाइनों को वहां से उठा उठा कर जो ईद उल फितर वाली लाइनें होंगी वो ईद उल फितर में लिखेंगे और जो ईद उल अज़हा से मुतअल्लिक लाइनें होंगी वो ईद उल अज़हा वाले बॉक्स में हम लिखेंगे। यानी यहां पे अंडरलाइन करके उसके सामने लिखना है और उस लाइन को उठाकर नीचे आपने बॉक्स में भी लिखना होगा। आइए अब हम पेज नंबर 37 पर बुक पर आपको ये सॉल्व करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 37 है, 37 पेज पे ये टॉपिक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इट इज, ये है सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है आफ्टर बाद रमजान, रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है। सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान अंडरलाइन करेंगे और हम कहेंगे ईद उल फित्र रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है, उसके सामने आप लिखेंगे। दूसरा है मुस्लिम्स, मुसलमान सेक्रीफाइस कुर्बान करते हैं शीप भेड़ें गोट्स बकरियां एंड काउज और गाय कुर्बान करते हैं, भेड़ें बकरियां और गाय कुर्बान करते हैं किस ईद पर? ईद उल अज़हा पर, आपने सामने लिखना है ईद उल अज़हा पर। नंबर थ्री, ईद कार्ड्स, ईद के कार्ड आर एक्सचेंज्ड का तबादला किया जाता है विद ईच अदर, एक दूसरे से, एक दूसरे को ईद कार्ड भेजे जाते हैं किस ईद पर? ईद उल फित्र पर। नंबर फोर, इट इज, ये है रिलेटेड मुतालका विद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक है, इसका ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। कौन सी ईद का? ईद उल अज़हा का, ईद उल अज़हा का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। नंबर फाइव, फितराना इज गिवन, दिया जाता है, फितराना दिया जाता है टू द पुअर, गरीबों को, गरीबों को फितराना दिया जाता है एंड नीडी फेलोज और जरूरतमंद यानी मोहताज लोगों को, गरीबों और मोहताजों को फितराना दिया जाता है किस ईद पर? ईद उल फित्र पर। नंबर सिक्स, मीट गोश्त इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम किया जाता है, गोश्त किस ईद पर तकसीम करते हैं? ईद उल अज़हा पर, ईद उल अज़हा पर। दोबारा पढ़ते हैं, मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गोश्त तकसीम किया जाता है अमंग द रिलेटिव्स रिश्तेदारों में एंड नीडी पीपल और जरूरतमंदों में गोश्त तकसीम किया जाता है, तो ईद उल अज़हा पर। सेवन नंबर है, ईदी इज गिवन, ईदी दी जाती है टू चिल्ड्रन, बच्चों को, बच्चों को ईदी दी जाती है किस ईद पर? ईद उल फित्र पर, बच्चों को ईदी दी जाती है, तो आपने सामने उसके लिखते जाने हैं। नंबर एट, इट इज, ये है सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है ऑन 10th जिलहज, जिलहज वाले महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है, यानी 10 जिलहज को मनाई जाती है, कौन सी ईद? ईद उल अज़हा। अब हम इन लाइनों को नीचे उसके बॉक्सेस में लिखेंगे कि कौन सी लाइन किस बॉक्स में आएगी, ईद उल फित्र वाले में या ईद उल अज़हा वाले में। पहली लाइन में सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान ईद उल फित्र, इस खाने में आएंगे, सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान इसमें लिखेंगे कि ये ईद, ईद उल फित्र सेलिब्रेटेड आफ्टर रमजान, रमजान के बाद मनाई जाती है। नंबर टू, मुस्लिम्स सेक्रीफाइस, तो ये अंडरलाइन की हुई जगह पढ़ें, सेक्रीफाइस शीप गोट्स एंड काउस, ईद उल अज़हा इस खाने में आएगा, सेक्रीफाइस शीप गोट्स एंड काउस के, भेड़ें बकरियां और गाय ज़िबा करते हैं ईद उल अज़हा वाले दिन, तो इस खाने में आएगी ये। इस तरह नंबर थ्री है, ईद कार्ड्स आर एक्सचेंज्ड, ईद कार्ड दिए जाते हैं ईद उल फित्र पर, तो
ईद उल फित्र का खाना ये है, इसमें लिखेंगे ईद कार्ड्स आर एक्सचेंज्ड ईद उल फित्र पर। फिर नंबर फोर, रिलेटेड विद हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक है इसका, कौन सा, ईद उल अज़हा का, रिलेटेड विद हजरत इब्राहिम, इस खाने में आएगी ईद उल अज़हा का ताल्लुक रिलेटेड विद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। फिर नंबर फाइव, फितराना इज गिवन, फितराना दिया जाता है ईद उल फित्र पर दिया जाता है, इस खाने में आएगा, यहां लिखना है फितराना इज गिवन, फितराना दिया जाता है ईद उल फित्र पर। एंड आगे नंबर सिक्स, मीट गोश्त इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम किया जाता है ईद उल अज़हा पर, इस खाने में आएगा, मीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गोश्त तकसीम किया जाता है ईद उल अज़हा पर। अगली लाइन, ईदी इज गिवन, ईदी दी जाती है, ईदी दी जाती है ईद उल फित्र पर, तो बच्चों को ईदी ईद उल फित्र पर दी जाती है, तो इस खाने में आएंगे, ईदी इज गिवन, ईदी इज गिवन ईद उल फित्र पर दी जाती है। एंड आखिरी है, सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज, सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज ईद उल अज़हा, इस खाने में आएगी, सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज, सेलिब्रेटेड ऑन 10th ज़िलहज, 10 ज़िलहज को मनाई जाती है ईद उल अज़हा। ये पूरा पेज आपसे बेटा एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे, आपने तैयार करना है। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।